दे रंग। तो ये हम थोड़े से लंबे लंबे अदरक को काट के उससे डेकोरेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि ये जो कढ़ाई पनीर है, ये स्पेशल फरमाइश पर हमारे ऑल इंडिया रेडियो के स्टैटिस्टिशियन है क्रिकेट के मनोज कुमार की फरमाइश पर हमने बनाया है। तो मनोज पाजी, देख लीजिए, आपने जो कहा था कि कढ़ाई पनीर बनना चाहिए, वो कढ़ाई पनीर हमने बना दिया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जसदीर सोई, थोड़ा स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये सूखे मसाले मैंने थोड़े से रोस्ट करे हुए हैं, थोड़ी सी सौंफ है और एक छोटा चम्मच ये धनिया है, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है और एक छोटा तेज पत्ता और एक टुकड़ा दालचीनी का। इनको अभी हम मिक्सी में पीसेंगे। और बाकी जो चाहिए, ये एक बड़ा प्याज हो या दो छोटे हो, तो ये मैंने बड़ा बड़ा काट के इनको खोल लिया है। और आधी शिमला मिर्च है, ये भी बड़ी बड़ी काटी हुई है। दो टमाटर हैं, इनको भी ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया है। और ये 200 ग्राम के करीब पनीर है, इसको भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये एक बड़ी हरी मिर्ची थी, उसको भी हमने थोड़ा गोल ऐसे काट लिया है। तो ये बाकी मसाले हैं, जैसे हल्दी है, गरम मसाला है, नमक स्वाद अनुसार, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च मिक्स करके एक छोटा चम्मच है। और मलाई हम बाद में जब बन जाएगा मसाला, सारा ग्रेवी बन जाएगी, तब डालेंगे जब पनीर बनने वाला हो जाएगा। ये तो ऐसे ही किसी के घर में लगी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, पेड़ पे लगी हुई, वो तोड़ के लाए हैं। और इसको कहते हैं चुटकी मिर्च, तो बहुत ज़्यादा कड़वी है ये खाने में। मुझे ऐसा लगता है शायद भूत जलोकी जैसी। मे भी वहाँ शायद कहाँ होती, गुवाहाटी जी, असम, हाँ हो सकता है वहाँ की हो, या वो लोग उन्होंने वहाँ से लाए होंगे, सीड्स लाए होंगे उन्होंने, लगाए हुए हैं अपने घर में, तो अच्छी लग रही है बस ऐसे, इसलिए रखी हुई है। इसमें डाल नहीं रही मैं, कढ़ाई पनीर में डाल नहीं रही। चलो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं कढ़ाई पनीर। मैं कढ़ाई पनीर देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल, कोई भी ऑयल में बना सकते हो। तो ये मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाला है। तो इसमें जो हमने ग्रेवी बनानी है, उसके लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो मैं प्याज बिल्कुल नहीं डालती, प्याज वो मोटा ही डलेगा इसमें, तो वो भी अलग से हम फ्राई करके डालेंगे। अभी मैं ये दो बड़े टमाटर हैं और ये प्याज के अंदर से जो निकले हैं वो डाल रही हूँ, बस इतना सा ही प्याज डालूंगी इसमें। तो ये एक चम्मच है, एक 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और बीच में हरी मिर्च है, तो ये मैंने पीस के रखा हुआ है, तो ये डाल रही हूँ इसमें। तो इकट्ठा ही मैं सारा भूनूंगी इसको चॉपर में, अभी चॉप करके। कढ़ाई पनीर में ये जो सब्जियां हैं जो डालेंगे हम, उधर ग्रेवी तो बनी रही है, इनको अलग से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा घी डाला है मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद। तो सबसे पहले प्याज डालेंगे, इनको थोड़ा फुल फ्लेम पे ही करना है, गैस को फुल ही रखना है। इनको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इनका जो पानी है वो ही सूखना चाहिए। तो ये अब टमाटर भी डाल देते हैं, और ये थोड़ी सी जो हरी मिर्ची काटी हुई है बड़े वाली, वो भी डाल दें। बड़े वाली मिर्च कौन सी, जिसको अंदर से भर के कई बार बनाते हैं? हाँ जी, मिर्ची बड़ा बनाते हैं और ये कड़वी नहीं होती।
बस इतना ही करना है, गैस कर देते बंद। मसाला भुनने के पास ही हम, मसाला हमारा भुन चुका है तो अब इसमें हम डालते हैं और मसाले। ये लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला और ये जो मैंने धनिया सौंफ वगैरह था इसको मैंने दो तीन काजू डाल के भीगे हुए थे तो पहले पीस के फिर वो पानी डाल के पीस दिया इसलिए ये ऐसा कलर आ गया। ये वो सभी सूखे मसाले। हाँ जी, अब हम डालें नमक स्वाद अनुसार। अमूल क्रीम भी डाल सकते हो, जहाँ फ्रेश क्रीम है घर पे, मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब ये वाली सब्जियाँ सारी डल रही हैं इसमें, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, तीनों कलर की शिमला मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास भी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, ये भी मैं डाल रही हूँ कलर के लिए। पनीर डलेगा इसमें, लग रहा है ना लाजवाब पनीर कढ़ाई। ये पनीर कढ़ाई है, कढ़ाई पनीर है? कुछ भी कह लो, कढ़ाई पनीर और पनीर कढ़ाई जो मर्जी कह लो। तो बस अभी 2 मिनट के लिए ढकेंगे फिर हमारा कढ़ाई पनीर तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। कढ़ाई पनीर खाने के लिए तैयार है बिल्कुल, पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, तंदूरी रोटी के साथ खाओ और बनाओ, हमें बना के बताओ कैसा बना है। अभी तक हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जसदी रसोई # जसदी रसोई रंग दे रंग। तो ये हम थोड़े से लंबे लंबे अदरक को काट के उससे डेकोरेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि ये जो कढ़ाई पनीर है ये स्पेशल फरमाइश पर हमारे ऑल इंडिया रेडियो के स्टैटिस्टिशियन है क्रिकेट के मनोज कुमार की फरमाइश पर हमने बनाया है। तो मनोज पाजी देख लीजिए, आपने जो कहा था कि कढ़ाई पनीर बनना चाहिए वो कढ़ाई पनीर हमने बना दिया है। आप इसको देखिएगा कि आपको ये कैसा लगता है और बना के देखिएगा, हमें बताइएगा हमारे क्रिकेट के स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार की फरमाइश पर। थैंक यू। कंग दे रंग।